आदरणीय सम्मानित मन, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गो, नौजवान साथियों, मेरी मातृ शक्ति और प्यारे बच्चों, मीडिया कर्मी और जो हमारी गायकों की टीम है, गायकों की टीम को नहीं क्रांतिकारी है, मतलब नु कह रहा है जे किसी चीज ने अपना सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचानी है तो उसमें यह जो टीम है हमारी सबसे ज्यादा बहुत बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि इतने बढ़िया विचार दे रही है, लोगों ने समझाने की कोशिश कर रही है, गाय के समझाने लग रही है, पता है क्या समझाने लग रही है, और इसके ऊपर समझाने का सिर्फ कुछ नहीं रहा। मेरी ख्याल में आधा हरियाणा तो इस टीम ने जागरूक कर दिया, करना के है मारे वक्ता की कहने की जरूरत को नहीं बची, इतना काम किया है ये अपना इस चीज पर गौर करना पड़ेगा, वो काम छोड़ना पड़ेगा, इस काम में को गया इसमें को कह दिया, क्योंकि जे इसे तरिया काटे गए तो फिर आपने पिटना है, क्योंकि 70-75 साल तक पिटने लग रहे हैं, तो आगे भी पिटना ही है। और समोसे कोई नहीं खुआंदा, अपने कदम नहीं सोचता भाई कोई मंत्री एम एल ए अपने समोसे खुआओगा, लट तो कुएं मरवा दो, और वो भी लट भी रोड पर वेट करना। पर एक चीज की आज मैंने कमी महसूस हो रही है, मन लागे सारी लक्ष्मी माई मैदान में उतर आई, इनका क्या होगा, ये भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद गिनती कम रह गई है, जो युवा हाल रहे तो सारा सौदा मामे लपेट ले जाए, तो हम घर बैठे रहिए रोटी पोई और हम देख लो ही मैं आपने विधानसभा संसद पे कब्जा आपने करना काम न करना, मन लागा मारी तैयारी बढ़िया है, हम देख लिया मेरे ख्याल में यू मामला, हमने बतेरे साल हो गए टिकट पात दे, थोड़ा आ चाल तम भी ले लो 5-4 साल, तमने भी तेरा पट जगह यू घर कुकर होया करा है, जो तो हमने तो वही बात है हाथी की ताकत का हमने बेरा है कौन था, वो चूल्हा का बहन दे राखी, कुछ खेत में भेज ले, कुछ बाखा कहने भेज ले, कुछ रोटियां कहने भेज ले, थोड़े है दिन मनु लगे 5-1 साल हमने खुले छोड़ दो, इस देश ने भी बचा देंगे और तुम तो बचे बचाए सोए फिर आ जाएंगे, अब नहीं तो एक काम करो कल तक संख्या बढ़ाने लग जाओ। और मैं तो मेरी मातृ शक्ति से एक बात कहूं, पहला वाले जो कर रहा है फैसला जे तार अब तो ले जाता ठीक से, नहीं मेरी बेबे अपना घर बड़े बड़े तारे नहीं है, मैं तारे लिया मर मर घूंगा ट्रेन का मार जाएंगे अल्ले कैसे मेक जाएंगे, ना तो अभी तरकोला जाता ना अभी चढ़ी जाती, ये तो एसिया तरह सुते हैं ये बहरा आवेंगे मुंडी कट कट कर सुगर सपोले लिखा करा है, इनका इलाज करना पड़ेगा, नू काम कौन चलता, हमारी कोई पटड़ी का बन चढ़ रही है, हम 37.5 डिग्री के अंदर बैठे हैं, हमने 20 महीने हो गए लड़ते, और ये लेबर भी तरेसिया में बैठे हैं, मारी जमीन मारा घर और मामे मतलब रोड पे बैठे हैं, तो जो सीआईटी का भाई हो अपनी इस गुंगी बैरी सरकार ने समझा लो, कोई करना फैसला हो जाएगा फिर रोंदे फिरोगे, तेरा बस की बात भी को नहीं, एक के लक्ष्मी बाई को नहीं काबू में आई थी तो काले काले पहन के सारी हो रही है, लक्ष्मी बाई क्रांतिकारी की दूसरी ज्वाला जाग चुकी है, आजादी की दूसरी लड़ाई है, नुए को नहीं पड़ते हम, अरे कई बार समझा लिया खट्टर पटरा दे भाई तारा बस की बात को नहीं, तारा आगे पाछा को नहीं, ना खाम खाम रात तपंगे करवाओ, क्योंकि हमने तो सारे काम कर लिए, जे 10-20 मर जाएंगे तो भी कोई फर्क को नहीं पड़ता, क्यों मारा तो आगे जो चल रहा है, इन रंड में कुछ भी को नहीं, फिर भी इनकी जीना आराम कर रखा पूरा देश का, एक नया कानून लेकर आई है सरकार, भाई राशन कार्ड है नहीं, राशन कार्ड उनके नहीं बनेंगे जिसके अगर मोटरसाइकिल होगा, टीवी होगा उसका नहीं बनेगा राशन कार्ड, मैं तो सिर्फ 5-5 किलो अनाज का ऊपर वोट देने थे, मैं देख लो ये करोगे, आरक्षण खत्म नहीं हो सकता गाड़ी का ऊपर, पर 5 किलो अनाज ने भी बंद करना ही जा रही है, कल तक इन कहते नहीं मजदूर और किसान एक को नहीं, न्यारे न्यारे है, पहले किसान पिटा इन मजदूरों का ऊपर इनकी आड़ी चलानी चालू कर दी, क्योंकि किसान तो हारदा को नहीं, किसान तो मैदान में खड़िया है, तो आपने मजदूर और किसान ने इकट्ठे मिलकर लड़ना पड़ेगा, लड़े बिना काम चल रहा है कोई, और अपन आखिरी टाइम तक लड़ांगे, और इनकी कमा हाँ बहुत दिन हो गए, हमने 34 दिन हो गए बैठिया ना, घन खरा मामला निपट गया, जे सुख शांति निपेट दो तो बढ़िया है, नहीं तो भाई आगे तारा पाछा मारा चूड़िया हम भी नहीं पैर रहे, इलाज तारा पक्का करांगे, अली हमने समझी होना मारा राजनीति को रणनीति से मारना कुकरा ही मारा समझ में आएगी, जितने दिन हम एडे बैठांगे तो समझ ले सरकार ने गाड में तारण लग रहे हैं, हम जागरूक होने लग रहे हैं, हमने ज्ञान आने लग रहा है, जो राजनीति आखिरी चीज है कि राजनीति को रणनीति तो मारो, इनकी तरिया पर बुंडा अच्छा को नहीं होना, सिस्टम बनाया का चलना है, अरे एक मारा कई दिन हो गए बोलिया दिग्विजय आ रहा था कौआ मैर कह रहा था मेरी घर में बढ़िया ही का जींद, बोला भाई 2024 में चंडीगढ़ बनाए जाएंगे जींद ने, मैं एक के बात कहूं भाई मान तो मर ला ना चंडीगढ़ बनाते को नहीं जिंदे रख लेंगे, चंडीगढ़ सस्ते में बनाए लो,
हम तो सीख लिया इस जींद ने चंडीगढ़ बनाया बनाया क्या मरली चंडीगढ़ बनाएगा जींद बनाएगा कुछ आना बनाएगा सुना हम आपे बनाए जाएंगे तो हम टेंडर लेना छोड़ दो तारा टेंडर हमने छुटा दिया हमने कुछ समझे तम तो यह बात है ये लोग दोबारा तो हमने छोटी छोटी गोली देनी शुरू कराया पर इन तीनों को नहीं बेरा हमने गोली लेनी को नहीं पे गोली देनी हमें गिनती आएगी मारी लेनी हमें गिनती को नहीं आंदी ये तो 100 mg का कैप्सूला हमें मारा अगला के भीतर में भीतर बढ़ते अब इतने बड़े डॉक्टर को नहीं रहे क्याने हो गए या किसानी कौम हुआ को नहीं जो 50 rupees का पहुआ में वोट दे दिया कर दी अगर दे दोगे काके तो वो भी नहीं फिर ऐडे रिंगना पड़ेगा 5 साल और देख लो सिक्कम तो फिर ऐडे 5 साल बैठी रहोगी कि मैं नहीं फर्क पड़ता तो मेरी काकी ताई हो तो हमने 50-50 की चुन्नी देवेगी अरे चुनड़ी चौपाल याद से नहीं और ये काले उसे का चक्कर में बंध रहे हैं वह दूसरे हो मामले भी ले बैठा तो हमने भी ले बैठा इसे बकाया बकाया घमा रहे हैं इसे जमा सफाई दे दे कर दो हाँ समझे में नहीं आई अगताई ताऊ देवी लाल का रूप दिखा मन ने भी दिखा करता दे मेरा तो 2 साल तक नहीं समझ में आ रही हो ताऊ देवी लाल आया कड़ा को थर गया कड़ा को दिख जाए नहीं शेर का बच्चा एक दिखाओ पौआ मैर का कदे चंडीगढ़ बनावा है जींद ने कदे उचियाणा ना बनावा है कदे चंडीगढ़ ने चंडीगढ़ नहीं रहने देता तो अपन ने एक बात सोचनी पड़ेगी अपन एकता के साथ किस तरह लड़ना है अपने आप से नहीं बैर विरोध हुए भूल कर किसान नेता संगठन या संगठन संगठन कुछ नहीं पछले राजनेता ने बतेरे अपना माटी पीट रखी है पहला तो इनके झंडे ठाई भी इन किसान नेता के झंडे ठावाई हुए काम रह गया हमने ये यूनियन यूनियन तो छोड़ दो एक तिरंगा का गेला लड़ लियो हमने किसे की ना तो किसे की सदस्यता की जरूरत ना हमने किसे चीज की जरूरत हमने अकेला संगठन किसे से कोई मतलब नहीं संयुक्त मोर्चा का जो आह्वान होगा उस पर काम करांगे और नहीं तो अपनी लड़ाई अपना आप लड़ांगे किसानों की लड़ाई लड़ने तैयार सा फिर जे अलग अलग ग्रुप बनाए बनाए बैठेंगे नहीं ना तो उसका साथ देंदे ना उसका गेला चढ़ दे क्योंकि नहीं फिर ये मामले बेच जे है राजनेता मर किसान नेता में गणा फर्क को नहीं ये भी तड़े तड़े नीलामी करा अपनी आपने बिकना को नहीं जब बिकांगे तो खुदे बिक लेंगे इनकी को नहीं बेचन दंदे बतेरे दिन हो गए आपने बिकते अपने दादा ने बेच गया अपने काके ताऊ ने बेच गया आपने बेच गए अब अपनी औलाद ने को नहीं बेचन दंदे इनकी आपने इतने तो ज्ञान आ गया भाई ये कड़े बेचा है आपने तो अपनी बोली लागणी बंद कर दो और इनकी बोली लागणी शुरू कर दो इनकी राजनीति को रणनीति का मारना है मौका पड़ा है सरपंच जी में चक दो इनके फट्टे इनके नु समझ में आ गया किसान जाए क्या जी इनका एक भी टट्टू नहीं बनेगा नहीं हो दोरे कुर्ते पजामा ला रो माथा पीट कौड़ा मैं ले एमपी ने कहोगा ना जी इनका तो मोल सा बदल गया है तो इन्हें नु समझ ले पसीने आ लिए डेढ़ डा ढाई साल में तो अपना ग्रांट करका काबू में जिसने जो फसल ले लो इन नंगड़ा पे मैं नहीं कहती भाई जिसने वोट करके ना ले जो खड़े हैं खड़े रहने दो अपना फैसला लो अपने पीछे लो किमें कमाओ किमें खाओ हमने कोई मतलब नहीं आने वाला टाइम पे जे दोड़े कुर्ते पजामे वाले पावे नहीं अपने बीच के पहले तो इनकी समय लियो अपना जड़ यह है ये लेकर उतर रहे हैं यू कांग्रेस वाला यू नल्लो वाला यू जेजेपी वाला यू बीजेपी वाला इन मलंगा का कुछ नहीं जानता अपने वोट बेच के ने इनकी चंडीगढ़ बिठाए थे अपने काम काट ले रहा फिर रोड़े रोड से रोमते अपने इनका इलाज करना है अपने बीच में देख लो ये दौड़े कुत्ते पजामा कुड़ कुड़ पहन के चौधरी होने हैं इन चौधरी का इलाज करो पहला ना तो दूसरे का कहने का वोट दें दे ना पे वीरेंद्र का कहने का वोट दें दे ना खट्टर का कहने का वोट दें दे ये दौड़े कुत्ते पजामे वाले लेकर बैठ रहे हैं अपना अपना हरियाणा खत्म कर दिया इनकी चौधरिया ने इनकी चौधरी की वजह से आज आप मरण लग रहे हैं अरे चौधरी वहां मुंह नहीं दिखाते अपन है ओढ़ा जाएगा वो समोसे खावा है बर्फी खावा है और आप रोड पे बैठ के अपना पानी नसीब को नहीं होता तो ये आप देख लो आपके बीच के किन लोगों का कहना था आपने वोट दिए थे वे कड़े हैं जे पैज नहीं एक आधी बार के सीट कैडे लिया आया करो फोटो खींच के सोशल साइट पे गेट दिया करो अगला का थप्पड़ लाके मेरा भीतर बढ़ते खोने हो तो खोल सीख लियो राजनीति ने रणनीति का मारना पड़ेगा इन दौड़े कुर्ते पजामे वाले इलाज कर लो अपना पीछे का सबसे बड़ा गद्दार है काले जब गोरे अंग्रेज आए थे तो जब भी गद्दार अपने थे आज काले अंग्रेज आ रहे हैं जब भी गद्दार अपने हैं अपने बीच के गद्दार ने टोके नहीं गद्दारा का इलाज कर लो अपना देश ना पे बचा लेंगे ये आजादी की दूसरी लड़ाई है अपनी जमीन के जमीर की लड़ाई है इसमें जब जीत पावांगे जब इनके ऊपर पे काबू करांगे अपने इनकी बार कैंसर का इलाज को नहीं करना जटते बतेरी रेल जहाज रोक लिए सारे काम करके देख लिए या कोनी मान दी अपने तो इनकी बार एक के बाद समझना आई है जिस तरह अपने क्षेत्र वाला गायक कह रहा है एक के बाद निमलेरा संसद विधानसभा अपना एक के टारगेट बनाया कर रखो संसद विधानसभा का बातें ना करो रहेगी बात सरपंची या एमएलए मेंबर की अपने इतनी बेरोजगारी है जिसका कोई हद नहीं गांव में इतने फार्म भरते हो अब सरकार का नुह नहीं समझ में आवे इनमें तो सरपंच कौन बनागा और मेंबर कौन बनागा
बगड़वाइज ढाई दो एक एक बगड़वाइज एमसीएमएलिया में करो गांव के लिए दो दो चार चार फार्म दो चार बहुओं के पर दो दो चार छोड़ियों के पर दो दो चार बुढ़ियों के पर दो इनका नंबर है नान जो इतने कागज इकट्ठे कर दो सरकार के चुक कागज अपने रोज चार नहीं आधार कार्ड है फलाना कार्ड है बिखड़ा कार्ड है अपना बस फार्म में फार्म अगले अगर इकट्ठे नहीं होने चाहिए फार्म इतने कैंडिडेट तैरते जिन कह नहीं क्या है भाई सबका समझ में हमारा अनुआई रोजगार तो हम दिल दे नहीं खेती में कुछ बचे नहीं तो हम बिनु सोचा नेता ही बन लिया तो अपने भी नेता बनना पड़ा था इस बीमारी का एक इलाज है और इसका टेलर फिल्म नहीं है फिल्म तो दिखाई देंगे हम एल एम पी वाला में तो मरेगी जब अपना एक होगा कद फिर कोई खड़े तो मारो पकड़ का पीट दिया भाई पकड़ का तो वोट कौन दे रखे पीट दिया तो भाई पकड़ का तो वोट भी दे रखे हैं काम भी कर रखे है अब की बार अपने एक इलाज का एक दिमाग का मारना पड़ेगा जय जवान जय किसान जय हिंद आपकी तो मैं कायल हो गया मतलब मैंने सोचा नहीं था इतनी मात्र शक्ति बाहर निकल चुका है नीता पे देश और दुनिया सब कुछ बदल जाएंगे कटल कटल देश होता है इधर सब जाए कुछ नहीं जय हिंद जय जवान जय किसान।